पीएसयू बैंक, और पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक को वैसे साथ में लेना चाहिए, राइट। देखो पीएसयू बैंक आपकी 11 लिस्टेड, 11 टोटल पीएसयू बैंक है, लिस्टेड कितनी है 12 लिस्टेड है, ओके। यहां पे आपका 2023 का धंधा 10 लाख करोड़, 2023, क्योंकि एसबीआई का अकेले का 4 लाख करोड़ का सेल्स है, 4,73,000, राइट। तो बिजनेस इनका बड़ा है, पर इनको कुछ वेटेज मिलता नहीं है मार्केट कैप में, खाली 4% का। अब ग्रोथ देखो, पिछले 11 साल में 11% से ग्रोथ हुआ है। सिमिलरली इफ वी कंपेयर देम प्राइवेट बैंक, 15% से बड़ी है, राइट। आने वाले समय में भी प्राइवेट बैंक 15% से ग्रोथ करेगी और पीएसयू बैंक 11% से ग्रोथ करेगी, इसीलिए हम प्राइवेट बैंक में 5-7% वेटेज रिकमेंड करते हैं और गवर्नमेंट बैंक में 1-2% रिकमेंड करते हैं, राइट, क्योंकि ग्रोथ अपने को ज्यादा नहीं मिलना है। नेक्स्ट पीएसयू बैंक पिछले साल 1% का ग्रोथ हुआ, जब बुरा समय था, याद है ना, क्रेडिट ग्रोथ नहीं था पिछले साल, और अभी जो साल खत्म हुआ 17% का ग्रोथ आया। सिमिलर वे इफ यू कंपेयर देम विद प्राइवेट बैंक, यू कैन सी जब 1% का पीएसयू का ग्रोथ था, इनका 4% का, जब वो 17 पे आए ये 20 पे आए, तो ओवरऑल कौन आउट परफॉर्म कर रहा है, प्राइवेट बैंक। तो तगड़ा पैसा प्राइवेट में बनना चाहिए, मैं प्राइवेट में 15% ग्रोथ उम्मीद कर रहा हूं, जबकि पीएसयू में कितनी करूं, 12%, राइट। मार्जिन इनके 2012 में 10% थे, गिर के 4% आ गए, कोविड के बाद 60%, और ये साल 10%। आप जानते ही हो दोस्तों, इन्फ्लेशन की कोई इफेक्ट बैंकिंग सेक्टर पे नहीं थी, हमने पहले ही देखा। सिमिलर वे इफ यू कंपेयर इट विद प्राइवेट बैंक, इनके मार्जिन तगड़े है। सोचो पुरानी गवर्नमेंट बैंक है और मार्जिन प्राइवेट के अच्छे, राइट, वेटेज ज्यादा ही देना पड़ेगा ना, 14.8, 13, 17 कोविड के बाद, और इस बार 18, तो मार्जिन तो जबरदस्त उधरते जा रहे हैं। इसीलिए प्राइवेट बैंक को 17 का पी मिल रहा है। गवर्नमेंट बैंक की सबसे खुशी की बात यह है, सस्ता पी है वो नहीं, 7 का ही पी इनका जिंदगी भर का है, क्योंकि ग्रोथ कम है ना, राइट, मार्जिन कम है। पर गवर्नमेंट बैंक कितनी लॉस में रही बताओ चलो पिछले साल, हा? तो खुशी की बात है ना, इंडिया की बैंकिंग सिस्टम वापस तैयार हो गई है धमाकेदार तेजी के लिए। दोस्तों इंडिया रेडी है, कंपनियों को कैपेक्स बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी जब हमारा कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, तो बढ़ाने के लिए लोन तो चाहिए ना, तो बैंक भी अभी रेडी है, एनपीए सबके क्लियर है, राइट। तो ये सब इंडिकेटर है एकदम जबरदस्त तेजी के, राइट। प्राइवेट बैंक 18 का पी, वहां हमने देखा कम पी, प्रॉफिट ग्रोथ 17% से प्राइवेट बैंक के बढ़े पिछले समय पे, भले क्रेडिट ग्रोथ नहीं था पर प्रॉफिट 28% से बढ़े इस साल, 27% से, उम्मीद 15 की, पी मैच हो रहा है ना प्राइवेट बैंक में, राइट, तो बराबर वैल्यूएशन है, हम नहीं कह सकते महंगा है प्राइवेट बैंक, कंपेयर इट विद गवर्नमेंट बैंक। प्रॉफिट कितने बढ़े 11 सालों में, 11% से, राइट, ये वापस से प्रॉफिट में आए, इसीलिए ये डेटा आप अभी देख रहे हो यहां। लास्ट कोविड के बाद 88% का ग्रोथ, क्यों इतना ग्रोथ, क्योंकि सब लॉस करती थी, ये तो पहली बार तो सब प्रॉफिट में आ रहे हैं, है ना, धीमे अब ये सब प्रॉफिट में आ रहे हैं, 2020 में लॉस में, 21 में कुछ प्रॉफिट में आए, और इस बार सब प्रॉफिट में आए, इस बार 57% से ग्रोथ बढ़ा है, तो मस्त प्रॉफिट आ रहा है, राइट। और इसीलिए गवर्नमेंट बैंक अब चली है परसों बाद, एस्टिमेट इस साल मेरे को 19% का है, वैल्यूएशन अभी भी अच्छे है, 7.6, हम ये नहीं कहेंगे बहुत ज्यादा महंगे है, राइट। आप अगर इसमें एसबीआई जैसी कंपनी देखो, राइट, देखो यही कंपनी लेने लायक है, बाकी कोई कंपनी नहीं है, कोई बैंक नहीं, फैक्ट में बताता हूं दोस्तों, नो बैंक। व्हाई दोस्तों, आने वाले टाइम में बैंक में से ही आप लाइफ लेने वाले हो, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, एएमसी, कौन सी बैंक ने स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजी खड़ी की, वन एंड ओनली वन एसबीआई, हर एक में क्रेडिट कार्ड, इच एंड एवरीथिंग एसबीआई डूइंग वेल, राइट। तो मेरे को लगता है 1.5% वेटेज रहना चाहिए इधर, ग्रोथ ओवरऑल आप देखो अच्छा है, राइट, लास्ट ईयर, इस साल 16% का सेल्स ग्रोथ, 60% का प्रॉफिट ग्रोथ, तो क्या हम 10 का पी नहीं देंगे दोस्तों इसको, मैं नहीं कहता 60% का प्रॉफिट टिकेगा, ये कितना हो जाएगा पता है, इनका धंधा भी 12% आएगा, प्रॉफिट भी 12% आ जाएगा, पी 12 तो मिलना चाहिए ना इनको, सस्ता है तो एसबीआई भी बनती है, बराबर।
इज योर ऑल प्राइवेट बैंक वर्ल्ड, सबके डेटा है, HDFC, ICICI, Kotak, HDFC, एवरी बैंक, राइट? यू कैन सी, आई कैन शो यू अ वेरी गुड थिंग, एक बढ़िया चीज मैं बताता हूं आपको, 2012 किसके मार्जिन सबसे बढ़िया थे, राइट? यही आपकी HDFC बैंक और फिर ये आपकी एक्सिस बैंक, राइट? 2012 में HDFC बैंक और एक्सिस के मार्जिन इधर गया इधर है, अच्छे थे। 2022 पे आ जाओ, 2022 किसके टिके, आपके एक्सिस के मार्जिन 19-16 हो गए, तो एक्सिस ने परफॉर्म ही नहीं किया। HDFC बैंक 18-22 इनके मार्जिन बड़े हैं, राइट? ICICI 12% मार्जिन 15 हुए, उस समय भी बुरे थे, अभी भी बुरे, पर इंप्रूवमेंट है, बुरा ही नहीं, राइट? सुधरे मतलब ये लोग भी अभी, राइट? 2023 HDFC बैंक 22, ICICI बैंक के मार्जिन और इंप्रूव हुए, पर अभी भी HDFC जैसे नहीं है, Kotak, Axis, राइट? तो दिस इज द वे यू कैन चेक योर कंपनीज। डिस्क्लोजर: दिस अपडेट इज फॉर एजुकेशन पर्पस, वी आर नॉट टिप प्रोवाइडर।